Well, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका मान लो कि ऑनलाइन बिजनेस है, चलो मान लेते हैं कि आपका रीसेलिंग बिजनेस, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर आप लोग सोच लो कि आपका बिजनेस कुछ इस तरह के अगर होंगे कि आप एक लीडर बन जाएंगे, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टाफ रहेगा, वो स्टाफ मार्केट में बायर ढूंढेगा, जो ऑर्डर देने वाला मतलब लोग है वो ऑर्डर कलेक्ट करेगा, वही ऑर्डर होलसेलर को प्रोवाइड कर देगा, होलसेलर मार्केट को पहुंचा देगा, आप सिर्फ उसको मॉनिटर करेंगे, आपका जहीं पे इंडिया पे कोई भी गांव पे बैठे रहो, चाहे कोई सिटी पे बैठे रहो, आपका घर बैठे बैठे सिर्फ मॉनिटर करेंगे कि आज मेरा ये स्टॉक कितना ऑर्डर उठाए, कितना शिपमेंट करवाए, आज मेरा ये स्टॉक कितना ऑर्डर उठाए, कितना शिपमेंट करवाए। मैं और भी इस चीज को एग्जांपल के दौरान समझाता हूं कि सपोज मान लो कि आप खुद अकेले दिन में दो ऑर्डर उठाते हो, अगर मान लो कि उसी बिजनेस से और चार बंदा आप जुड़ लेंगे तो हर बंदा दो दो कर कर ऑर्डर उठाते हैं, तो दिन में आठ ऑर्डर आपके नीचे बंदा लोग काम कर कर आठ ऑर्डर उठा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को आप पेमेंट दे रहे उसी ऑर्डर में से, और बीच बीच में आप बैठकर मुनाफा कमा रहे हैं, उसी ऑर्डर से पैसा कमा रहे हैं। वीडियो इतना ज्यादा यूनिक, ये एक बिजनेस आइडिया बोलो, ये एक नई तरीका बोलो, ये एक नेक्स्ट लेवल अपना रीसेलिंग बिजनेस टू कैसे अपना खुद का ऑनलाइन कंपनी क्रिएट करें, इस तरह के बोलो, ऐसे एक ऐप आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। इस ऐप के अंदर ईच एंड एवरीथिंग होने पॉसिबल है और हो सकता है, सारा कुछ चीज मैं सारा डिटेल्स मेरा मोबाइल के स्क्रीन पर समझा रहा हूं। कृपया अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तब भी आपको पूरा चीज पूरा प्रोसेस डिटेल पता चलेगा, और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब करते जाना, रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे पैसा कमाने का तरीका देखने के लिए। देखो सबसे पहले आप जो रीसेलिंग बिजनेस करते हो, जिस होलसेलर से आप कारोबार करते हो, उसी होलसेलर के पास आपको अपना स्टाफ को जुड़वाना है, उन लोगों को सिर्फ आपको बताना है कि भाई साहब आप मेरा प्रोडक्ट को सेल करेंगे और उसमें हम इतना सेल पे पर सेल के ऊपर इतना प्रॉफिट इतना कमीशन देंगे। और देखो ये सारा चीज मैनेजमेंट करने के लिए आपको तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर मान लो एग्जांपल के दौरान देखेंगे कि ए स्टाफ दिन में कितना ऑर्डर उठा रहा है, कितना उसके पास आपको पैसा मिलेगा, बी स्टाफ कितना ऑर्डर उठाया, कितना पैसा उसको पे करना है या कितना पैसा आपको मिलेगा, ये सारा चीज करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल ऐप चाहिए। उसके लिए मैं जो ऐप बता रहा हूं उसका नाम है कैशबुक। जैसे ही आप प्ले स्टोर में कैशबुक सर्च करेंगे आपके सामने ये ब्लू कलर का कैशबुक कैश मैनेजमेंट ऐप नजर आ जाएगा, जिसका रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 रेटिंग है। सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये कैशबुक नाम का और भी ऐप है, जैसे कि खाता बुक कंपनी का है, ये वगैरह है, लेकिन वो सबको नहीं, आपको ये ब्लू कलर का जो लोगो है उसी कैशबुक ऐप को डाउनलोड करना है। शॉर्ट में आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कैशबुक ऐप बेसिकली है क्या। ये सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग ऐप है, इसमें आप अपना बिजनेस का सारा रिकॉर्ड, कितना एक्सपेंसेस, कितना इनकम, कितना स्टाफ का कितना एक्सपेंसेस हुआ, वो कितना इनकम किया, आपको कितना पे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आपको ऐप को इंस्टॉल करेंगे इसको सिंपल आपको ओपन करना है, देख सकते हैं कि बड़ी से इंटरफेस के साथ ऑलरेडी 10 लाख लोगों ये बिजनेस रन कर रहे हैं और उन इतना लोग ऑलरेडी इस ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। आपका पहले हिंदी या इंग्लिश जो ही लैंग्वेज है सिलेक्ट कर लो, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखो बड़ी सी इंटरफेस के साथ जैसे कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम राजेश, सारा कुछ चीज आपको ऊपर में दिखा रहे हैं, हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूं। अब आपको यहां पर लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपको यहां पर सबमिट बटन पे क्लिक कर सबमिट लगाना है। आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटेड वेरीफाइड हो जाएगा। अब अपना यहां पर अपना नाम डाल दीजिए। नाम डालने के बाद सिंपल मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो ये कैशबुक ऐप आपको तीन तरह के यूज कर सकते हैं। एक हो गया कि पर्सनल मैनेजमेंट, आपका पर्सनल कितना एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस पे कितना लगा रहे हैं, कितना रिटर्न आ रहा है, इसके लिए आपको अलग अलग खाता करना पड़ता है सभी हिसाब किताब रखने के लिए, लेकिन अब से आपको खाता वगैरह कुछ भी नहीं करना होगा, इसी के अंदर हो जाएगा। आप अगर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड योर डेली बिजनेस, आपका बिजनेस का डेली मेंटेन जो रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट लॉस ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी ऐप में मिल जाएगा, वो सारा डिटेल्स मैं आपको आगे आपको दिखा रहा हूँ। और इनफॉर बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस है जिसके पास 2 से 3 एम्प्लॉई है, जैसे कि मान लो मैं इस वीडियो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के पास, वैसे भी आप उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक इंसान का अलग अलग खाता क्रिएट कर सकते हैं इसी के अंदर, और उसी खाता को मेंटेन भी कर सकते हैं कि कितना पैसा उसके पास बाकी है, कितना आपको देना है, कितना मिलेगा, सारा कुछ चीज़। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका बड़ी सी इंटरफेस के साथ दिखा रहा है। अब देखो मैं ऊपर न्यू बुक पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही ये न्यू बुक पे क्लिक कर दिया ये ऑटोमेटेड बाय डिफॉल्ट एक बुक क्रिएट किया हुआ है। मैं सिंपल इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे कि माय एक्सपेंसेस नाम के ये डाल देता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है वो मेरा इस बुक में रखूंगा। मान लो कि मेरा बिजनेस पे राम नाम का एक लड़का है, एक स्टाफ है जो मेरा ही प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, मेरा ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कुछ भी, मैं उसके लिए एक अलग सा खाता बना रहा हूँ, राम, मेरा राम नाम लिख दिया, अब सेव कर दिया। अब देखो मेरे खाता के
ऊपर ही राम का खाता आ गया। ये माई एक्सपेंसेस है और ये हो गया राम का एक्सपेंसेस। ये राम का खाता जैसे ही ओपन करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर देखने मिल जाएगा कि कितना कैश आपको मिलेगा, कितना कैश उसको देना है, सारा कुछ चीज़। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के दौरान दिखाता हूँ कि मान लो कि ये राम नाम का है, दूसरा आपका स्टाफ है श्याम नाम का, मैं अगेन शाम नाम पे भी कर दिया, अब शाम नाम का भी खाता यहाँ पर ओपन हो गया। अब देखो इस चीज़ को आपको कैसे यूज़ करना है और इस फायदे को लेकर आपका बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं और हर एक स्टाफ का अलग अलग पैसा मेंटेन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये राम के पास आपको कितना पैसा मिलेगा, जैसे ही ऊपर में क्लिक करेंगे राम के खाता पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको कैश इन पे क्लिक करना है। अब देखो आज का डेट आप राम आपको कितना पैसा दे रहे हैं, मान लो कि वो मेरे को 2000 रुपीज अमाउंट दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं, मान लो बाय प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर डाल दिया, अलग अलग कैटेगरीज ऑटोमेटेड यहाँ पर आ गया। सेल सैलरी किस वजह से वो दे रहे हैं या ले रहे, मैं यहाँ पर सेल कर दिया। अब यहाँ पर कैश ऑनलाइन पे ले रहे हैं या ऑफलाइन पे, नेट बैंकिंग पेटीएम गूगल पे सारा कुछ चीज अवेलेबल है, मैं यहाँ पर कैश पे ही क्लिक कर दिया। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो पेज थोड़ा लोडिंग हो रहा है। अब देखो नेट बैलेंस राम के पास 2000 रुपीज आपका पहुंच गया कि देखो बाय प्रोडक्ट मेरे पास, मेरे को राम 2000 रुपीज दिया, मेरा यहाँ पर शो हो गया। अब ये खाता में रिकॉर्ड हो गया, आपको प्रैक्टिकल कहीं पे लिखना नहीं पड़ेगा। अब मान लो कि राम ने आपका कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया या उसका एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट आपका सेल किया, जिस वजह से उसको आप एक्स्ट्रा कमीशन बोलो, चाहे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा खर्चा दे रहे उसको पैसा, तब कैश आउट पे क्लिक करेंगे। अमाउंट मान लो कि 200 रुपीज आप उसको प्रोवाइड करेंगे, किस वजह से, मतलब कि उसका बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस है, आपका कंपनी का सेल बहुत ला रहे उसकी वजह से उसको 200 रुपीज दे रहे। कैटेगरीज किस वजह से उसको दे रहे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर स्टाफ सैलरी कि मेरा स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपल सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कैश पे दे दिया। अब देखो आज की डेट में शाम को मैंने 200 रुपीज दिया, मेरे से वो आज की डेट में ही कुछ ही देर पहले 2000 रुपीज लिया था, उसके बाद मेरे को 200 रुपीज दिया। जैसे जैसे डे करेंगे आपका डेट और इस मतलब सारा कुछ चीज़ यहाँ पर शो होते लगेंगे। सबसे बड़ी बात है जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वो खाता में आपका लोड हो गया। अब राम तो आपका व्हाट्सअप में डेफिनेटली, राम को वो स्लिप भेज रहा हूँ कि भाई साहब मैं तेरे को 200 रुपीज दे दिया, राम के पास पहुँच गया। अब देखो ये राम का खाता, वैसे शाम का भी खाता है, शाम का खाता में अभी 0 है, कुछ भी नहीं है, आप अपना हिसाब से उसका खाता में लिखा कैश इन और कैश आउट आराम से दे सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कितना इजी आपका बिजनेस हो जा रहा है, आपका मोबाइल के अंदर पूरा बिजनेस घुस जा रहा है। अब देखो मान लो कि यहाँ पर आप स्टाफ ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर स्टाफ पे क्लिक किया। अब देखो आप यू एडमिन है, मान लो कि ये चीज़ आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप कानपुर में आपके एक ग्रुप बना दिया जिस कानपुर का बिजनेस ऑटोमेटेड चलते हैं, तो उसके लिए भी आप ऐड मेंबर पे जैसे क्लिक करेंगे आपका मेंबर का मोबाइल नंबर डालना है, उसका डिटेल्स जैसे डालेंगे ऐड करेंगे उसका मोबाइल पे मैसेज पहुंच जाएगा और वो आपका बिजनेस का मेंबर बन जाएंगे, वो भी आपका बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। वैसे अलग अलग खाता क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अब देखो पीडीएफ पर अगर आएंगे तो सारा रिपोर्ट्स पीडीएफ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट रिपोर्ट्स एक्सपेंस की जेनरेट पीडीएफ जैसे आप क्लिक करेंगे वो सारा चीज़ उसे पीडीएफ के अंदर आप आ गया, आप देख सकते हैं कि कैश इन कैश आउट टोटल बैलेंस कितना दिया है कितना नहीं दिया है सारा कुछ आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। आप इस ऐप को यूज कर अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। मैं यहां पर अगर क्लिक कर रहा हूं तो ये डिलीट वगैरह एक्सेल रिपोर्ट सारा कुछ चीज आपको मैनेज करने का देखने मिल जाएगा। इस ऐप का मेरे को सबसे बड़ी फीचर ये लगा जो कि दूसरे ऐप में नहीं होते कि आप मेंबर जोड़ सकते हैं भाई साहब यहाँ पर, जो कि कोई भी ऐप में बेसिकली नहीं मिलता, आपका बिजनेस का मेंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐप उन लोग यूज कर सकते हैं जो व्हाट्सअप भी यूज कर सकते हैं, जो यूट्यूब यूज कर सकते हैं, इतना आसान है इस ऐप को यूज करना। सो दिस इज द टुडे बेस्ट यूजेस ऐप फॉर योर बिजनेस। अगर आप इस ऐप को यूज करेंगे बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और आपका पॉकेट के अंदर आपका मोबाइल के अंदर सारा कुछ चीज लाइव देख सकते हैं। शायद आपको पूरा चीज प्रोसेस डिटेल में पता चला। अगर वीडियो को अच्छा लगा एक लाइक कर देना, कुछ भी सवाल कुछ भी ओपिनियन है कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब करते जाना रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे पैसा कमाने का तरीका देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, हर बार के जैसा वापस आकर वीडियो देखने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण वक्त देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।